हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है फ्राइडे, एज यूजुअल जॉब से छुट्टी है, तो सोचा कि चलो व्लॉग की शुरुआत करता हूँ आज। और सबसे पहले आप सबको गुड इवनिंग, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, थैंक यू आप सबको, बहुत बड़ा थैंक यू। जो आपने मेरा पहला वीडियो, जो चैलेंजिंग वीडियो था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया और लाइक्स भी किया, कमेंट भी किया, तो बहुत ज़्यादा थैंक यू। और ऐसे चैलेंजिंग वीडियोस आते रहेंगे और बहुत कुछ आता रहेगा, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। बहुत कुछ नई चीज़ें भी आने वाली है चैनल पे, तो धीरे धीरे सब आएगी और देखते हैं कैसा जाता है सफ़र। तो अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है ब्लॉगिंग की और चैलेंजिंग वीडियोस की, अभी तो बहुत कुछ आने वाला है, तो समझ गए ना। नहीं तो थोड़ा धीरे रखिए और मस्ती कीजिए और खुश रहिए। तो अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं, तो अभी अपने लिए ब्लैक टी बनाऊंगा, फिर मार्केट भी जाना है, थोड़ा कुछ काम है तो वो काम करेंगे। और चलो ब्लैक टी बना दो अपने लिए। तो अभी ब्लैक टी बनाने रख दी है, तो अभी बन जाएगी 4-5 मिनट में, तो फिर हम ब्लैक टी इंजॉय करेंगे। आप लोग भी इंजॉय कीजिए, जो आप नॉर्मली शाम को जो आप चाय पीते हो, कुछ भी मतलब जो पीते हो आप, तो उसे इंजॉय कीजिए। और मैं शाम को एज यूजुअली मैं ब्लैक टी पीता हूँ और मुझे अच्छी भी लगती है, एक टाइम ब्लैक टी पीना तो अच्छा है। और देखते, मार्केट भी जाना है, काम भी करना है, अब सब लेट भी हो गया क्योंकि अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। अभी तो ठंडी का मौसम शुरू हो चुका है यहाँ पे भी, और थोड़ी बहुत ठंड होने लगी है मुंबई साइड भी, और हम तो थोड़ा मुंबई के आउट ही रहते हैं तो हमें इतना महसूस नहीं हो रहा है अभी, पर धीरे धीरे सुबह के टाइम पर होता है, सुबह के टाइम पर हमें महसूस होता है कि हाँ भाई ठंडी चालू हो चुकी है। जो 7 बजे ठंडे पानी से जो नहाते थे ना, उन लोग भी गर्म पानी करके नहा रहे होंगे, तो सब जगह ऐसे ही है। तो बस ठंड मज़ा आएगा, और देखते हैं ठंडी में हम किधर घूमने जा सके, क्या एक्सप्लोर कर सके। एक्सप्लोर तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ, दिसंबर के एंडिंग में तो कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने ही वाला हो, और दोस्तों के साथ करेंगे। देखते दोस्त लोग रेडी होंगे तो करेंगे एक्सप्लोर, नहीं रेडी होंगे तो नहीं करेंगे, और क्या। समझ रहे हो, ऐसे ही बच जाएंगे, समझ रहे हो। तो अभी तो फिलहाल बहुत गर्म है, और ये है मेरा स्पेशल मग, आप देख सकते हो क्या लिखा है, होप लिखा है मग पे, होप होल्ड्स ऑन पेन एंड्स। तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ होप्स तो रखना ही चाहिए इंसानों को, तो ही इंसान खुश रह पाता है। ऐसा नहीं है मतलब होप्स तो ऐसा नहीं है जो मतलब के लिए होप्स मत रखो यार कभी भी, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, उसके लिए आप होप्स रखते हो कि हाँ मुझे कुछ आजकल नया करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है और मुझे कुछ बेहतर करना है अपने लिए, दूसरों के लिए। तो आप सोचिए और करिए भी, और बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लाइन है वैसे, और बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं मार्केट आ चुका हूँ, चलो जो काम करना है वो करते हैं फटाफट, क्योंकि बहुत भीड़ है। तो आज हमारे यहाँ पे स्पेशली मतलब फ्राइडे है, तो आज फ्राइडे मार्केट लगता है, तो बहुत ही भीड़ रहती है। तो चलो फटाफट जिस काम के लिए आया वो करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। जैसे आपने देखा मुझे एयरटेल स्टोर में काम है, तो मेरा सिम का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है 3-4 दिनों से, उसमें नेटवर्क बराबर नहीं आ रहा और थोड़ा इशू भी है। तो मैं एयरटेल स्टोर आया हूँ, काम है, तो मैं अकेला आया हूँ, नहीं तो मैं आपको अंदर का भी शूट दिखा सकूँ, लेकिन चलो अभी काम करते हैं, ये लेट भी हो गया है, 8 बज चुके हैं, तो चलो ये तो बंद हो जाएगा। और आप एरिया देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा एरिया है, चलो फटाफट काम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, सिम का प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है सिम का, और माइनस का प्रॉब्लम था, और थोड़ा नंबर चेंज तो कराना नहीं पड़ेगा क्योंकि वही सिम को एयरटेल में वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा वही नंबर को, तो वो हो जाएगा, कल परसों करा लूँगा। तो बस चलते हैं अभी घर पे, देखते हैं, बहुत भूख लगी है, खाएंगे पियेंगे तो कुछ नहीं, सीधा देखते घर पर क्या बनाए, मैं तो देखता हूँ फिर बाहर ट्राई करता हूँ कुछ खाने का आज नॉनवेज, और चलो चलते, मज़ा आया। Thank you.
तो आप लोगों ने देखा पहले क्लिप में तो कैसे श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो मैं स्टेशन के रास्ते से आ रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे, तो मैं भी उनके साथ ज्वाइन हो गया। और अच्छा लगता है हमारे रियल हीरोज़ को लोग याद करते हैं, और याद करना भी चाहिए, वही हमारे रियल हीरोज़ है जो देश की सेवा में लगे हैं और जो शहीद हुए हैं, उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। और जो सच्चा और अच्छा इंसान है ना, तो उसे तो हमेशा याद रखना ही चाहिए सब लोगों को। तो अच्छा लगा, और चलते अभी घर पे, देखते क्या बना है क्या नहीं बना है, और मिलते। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर पे, तो आते वक्त मैंने अपने लिए और बाकी सबके लिए फ्राइड राइस लिया है, तो चलो अभी खाते, और बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और ये ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हो, और बस इसी तरह प्यार देते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और